हेलो व्यूअर्स, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के पास आया हूँ। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझे बार बार ये बोलते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक जो एंगल्स है उसको कैसे याद रखा जाए। तो आइए देखते हैं कैसे इसको याद किया जाए। पहले ये आपके सामने मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है और बाद में इसको हम करेंगे। इस टेबल को पूरा करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने होंगे। यहाँ पे मैंने साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लिखा हुआ है। तो साइन का पी बाई एच बी बाई एच ये आप लोगों को तो शायद मालूम है, ये रेशियोज़। और ये रेशियोज़ के हिसाब से कुछ फॉर्मूला डेवलप हुए हैं, वो है ये साइन वन बाई कोसेक, कॉस वन बाई सेक, टेन वन बाई कॉट, टेन साइन बाई कॉस, कॉट कॉस बाई साइन। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा याद रखना होगा। तो हमको तो पता चल गया कि टेन का रिवर्स है कॉट, कॉस का रिवर्स है सेक और साइन का रिवर्स है कोसेक। तो सिर्फ एक सिंपल सा तरीका, हमको भी हमारे सर ने बोला था, तो आप लोगों को भी मैं ये दिखाना चाहता हूँ। तो आप क्या कीजिए, पहले ऐसे लिख लीजिए रूट ओवर जीरो बाई टू, रूट ओवर वन बाई टू, रूट ओवर टू बाई टू, रूट ओवर थ्री बाई टू, रूट ओवर फोर बाई टू। ठीक है, ये पांच लिखना है। रूट ओवर सब में है, जीरो वन टू थ्री फोर ये एक सीक्वेंस में है और डिवाइडेड बाय सब में टू 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 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल है हमारे जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइन्टी कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव। सो यहाँ पे भी वन टू थ्री फोर फाइव ही वैल्यूज हमने लिखे हैं। तो अभी देखिए ये जो वैल्यूज यहाँ पे बन गया है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। रूट जीरो मीन्स जीरो, जीरो बाई टू इज जीरो। रूट वन मतलब वन ही है, तो ये हो गया हाफ। रूट टू और टू इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमको ये मिलेंगे, क्योंकि टू में दो रूट टू आते हैं। तो वन रूट टू और यहाँ से एक रूट टू कैंसिल गया, वन बाई रूट टू, ये तो कैंसिल नहीं जाएंगे, तो इसको रूट थ्री बाई टू ही करेंगे। रूट फोर मतलब टू आ गया और टू बाई टू इज वन। ओके, इसको आप साइन में लिख लीजिए। लिखिए जीरो हाफ वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू और वन। ठीक है, अभी हम करेंगे कॉस टेन कॉस सेक एंड कोसेक। इसको कैसे करेंगे, साइन को तो हमने लिख लिया, अभी उल्टा करके आइए। वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू, वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू, नेक्स्ट हाफ यहाँ तक, नेक्स्ट जीरो यहाँ पे लिखिए। ठीक है, अभी हम लिखेंगे टेन। टेन का मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, टेन का फॉर्मूला है साइन बाई कॉस। तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस अगर करेंगे तो हमको मिल जाएंगे टेन। तो साइन जीरो बाय कॉस जीरो इज टेन, जीरो बाय वन जीरो, जीरो को वन से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही मिलेंगे। हाफ डिवाइडेड बाय रूट थ्री बाई टू, इस टाइप के डिवाइड बहुत ही इजी है, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर इज टू, सो टू टू कैंसिल वन बाय रूट थ्री। इसका भी सेम सेम नंबर और सेम नंबर डिवाइड करने से वन आते हैं, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे टू टू कैंसिल मतलब रूट थ्री बाई वन मतलब रूट थ्री। वन बाई ज़ीरो, ज़ीरो से कोई भी नंबर आप डिवाइड करो तो अनडिफाइन आते हैं, लेकिन अनडिफाइन के लिए हम यहाँ पे इन्फिनिटी लिख लेते हैं। ठीक है, अभी आइए कॉट। कॉट होता है टेन का रिवर्स, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है आपको, कॉट है टेन का रिवर्स। तो हम टेन को रिवर्स करके जाएंगे। ठीक है, ज़ीरो को रिवर्स किया, रिसिप्रोकल मतलब ज़ीरो का उल्टा मतलब ये आ गया इन्फिनिटी। वन बाई रूट थ्री उसका उल्टा, उल्टा कर दीजिए उसको,
रूट थ्री, वन का उल्टा वन बाई वन मतलब वन, रूट थ्री का उल्टा वन बाई रूट थ्री, और इन्फिनिटी का उल्टा जैसे जीरो का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा जीरो, ठीक है। अभी सेक में आइए, सेक का उल्टा होता है कॉस, तो कॉस के साथ आप ये इसको मिला लीजिए, वन वन का आ गया उल्टा वन, रूट थ्री बाई टू मतलब टू बाई रूट थ्री, वन बाई रूट टू मतलब रूट टू, हाफ का आ गया टू, जीरो का और इन्फिनिटी। नेक्स्ट कोसेक का आप लिख लीजिए, कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो साइन पे जाइए, जीरो का उल्टा होता है इन्फिनिटी, हाफ का उल्टा होता है टू, वन बाई रूट टू का उल्टा है रूट टू, रूट थ्री बाई टू का उल्टा होता है टू बाई रूट थ्री, वन का उल्टा होता है वन। तो आपका टेबल तो हो गया, कैसा लगा ये मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।